स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर टा में। दोस्तों स्मॉल कंपनीज के अंदर अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो जिन भी पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी शामिल है उनके अंदर हमें रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त मिला है। और दोस्तों अभी भी हमारे पास एक मौका बनता है कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाकर अगर हम एक म्यूचुअल फंड प्लान के थ्रू पैसे निवेश करते हैं तो फिर हम अपने कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक FD की तरह वो 1 या 1.25 लाख रुपए डालना चाहते हैं और उसी से उनका एक बड़े फंड बनाने का टारगेट होता है, तो दोस्तों वो लोग पैसे को निवेश करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में उन्हें म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़े बहुत करेक्शन जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर उनका टारगेट एक लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का होता है तो फिर यहाँ पर वो एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को भी आसानी के साथ पूरा कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर थोड़े बहुत करेक्शन मिलते हैं, लेकिन 8 से 10 साल जब आपका पैसे निवेश करने का टारगेट होता है तो फिर आप अपने इन छोटे करेक्शनों को फेस करने के बाद एक बड़ा फंड बना पाते हैं। अब से अगर आप 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले भी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते तो दोस्तों आज आपके पास एक बड़ा फंड होता और अभी भी आपके पास एक मौका बनता है कि यहाँ पर आप पैसे को निवेश करके अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाएं। अगर आप 5 साल पहले भी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे निवेश करते, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान हैं जिन्होंने हमें 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बल्कि अगर हमें इससे रिटर्न कम भी एक्सपेक्ट करना है तब भी हम एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाकर म्यूचुअल फंड्स में पैसे को निवेश करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अभी पैसे हैं 1 लाख रुपए और आप उसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आज हम एक बेहतरीन AMC का दमदार फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप सिर्फ 1 लाख रुपए डालकर ही 4.97 करोड़ तक फंड बना सकते हैं और आप अपने किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे को निवेश कर रहे हैं तो फिर आपको उस फंड के बारे में सारी डिटेल जाननी चाहिए और देखना चाहिए कि इस फंड के अंदर आपको ग्रोथ कैसे मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा निवेश करने का प्लान होता है तो हम ये जरूर देखते हैं हमारे पैसे पर रिस्क कितना है और यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए बैंक FD में डालते हैं तो ब्याज दर वहाँ पर आपको 7.5% से ज्यादा नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर आप इक्विटी यानी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को डालते हैं तो फिर यहाँ पर इक्विटी का रिस्क जरूर है, लेकिन इसमें अगर रिटर्न की हम बात करते हैं तो ये हमें काफी जबरदस्त मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम जो बेहतरीन फंड लेकर आए हैं उसके अंदर आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है और आने वाले टाइम में यहाँ पर आप कम पैसे से भी बड़ा फंड बना सकते हैं। वीडियो में पूरी डिटेल समझेंगे, कैलकुलेशन के साथ देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर हम फंड की बात करते हैं तो यह फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है इस बेहतरीन कंपनी का वो स्मॉल कैप कैटेगरी की जितनी भी कंपनीज हैं इक्विटी के अंदर उसी में पैसे को निवेश किया गया है। स्मॉल कैप में हमें रिटर्न भी काफी बेहतर मिला है और दोस्तों अभी भी यहाँ पर इस फंड में पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा है क्योंकि पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग है। और रिटर्न की बात करें तो फंड ने हमें जबरदस्त रिटर्न दिया है 23.77% का, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड में 31.75% रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में 30%, लास्ट 1 ईयर में 50% और 6 मंथ में भी इस फंड के अंदर हमें 32% से ज्यादा रिटर्न मिला है। यानी कि लगातार अगर हम इस फंड के अंदर रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों ये रिटर्न हमें काफी जबरदस्त मिला है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें पैसे निवेश करने हैं तो कैसे हमारा पैसा बढ़ता है इसे भी एक बार हमें जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना होगा लमसम म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए डालते हैं फंड के अंदर 23% का रिटर्न है और यही रिटर्न अगर हमें मिलता है इस फंड के अंदर, यहाँ पर हम इस पैसे को निवेश करते हैं दोस्तों सिर्फ 6 साल के लिए, तो हम 1 लाख से 3 लाख 46 हजार रुपए तक फंड बनाएंगे, इसमें 2 लाख 40 हजार का रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम पैसे को 12 साल के लिए डालते हैं तो हम 1 लाख रुपए का निवेश करके 11 लाख 99 हजार रुपए का फंड बनाएंगे, इसमें 10 लाख 99 हजार का रिटर्न होगा। लेकिन अगर हम पैसे को 18 साल के लिए डालते हैं तो फिर हम 1 लाख रुपए का निवेश करके 41 लाख 52 हजार रुपए का फंड बनाएंगे, 40 लाख 52 हजार का रिटर्न। और दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं 24 साल के लिए तो हम 1 लाख रुपए का निवेश करके 1.43 करोड़ का फंड बनाएंगे, 1.42 करोड़ का रिटर्न। और दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं 30 साल तक के लिए तो फिर हम 1 लाख रुपए डालकर भी 30 साल में इस बेहतरीन फंड के अंदर 4.97 लाख रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं, इसमें रिटर्न भी हमें 4.96 लाख रुपए तक मिल जाएगा। यानी कि इस बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर अगर हम पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ से हम एक जबरदस्त फंड बना सकते हैं। और दोस्तों उसकी वजह है इस फंड का पोर्टफोलियो। यहाँ पर कुल मिलाकर 87 दमदार फंड के अंदर कंपनीज हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है।
दोस्तों इन सभी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं रिटर्न की, तो यहाँ पर हमें बेहतरीन कंपनियों में रिटर्न जबरदस्त मिला है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करें तो प्रेड इंटरप्राइजेस, इकोटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, दीपक नाइट्रेट, कॉम्प्टन ग्रीव, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये स्मॉल कैप ऐसी दमदार कंपनी है जिनके अंदर फ्यूचर में भी हमें बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम पैसे को डालते हैं, इन पोर्टफोलियो में हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा और इन सभी कंपनियों में फ्यूचर में एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है, जिसका फायदा आज हम पैसे को निवेश करके उठा सकते हैं। दोस्तों फंड के एनएवी नेट एसेट वैल्यू का प्राइस है 209.73 रुपए, यानी कि हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं लमसम, तो करंट एनएवी के प्राइस से हमें यूनिट मिल जाती है। फिर इसी पर हम प्रॉफिट या लॉस डेली बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर यूनिट हम बाय और सेल आगे भी कर सकते हैं। फंड की रेटिंग शानदार 3 है, 14,423 करोड़ रुपए फंड का यूएम है। इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड प्लान में निवेश किए हैं। फंड के अंदर लमसम में 5,000 और SIP के थ्रू आप 500 रुपए से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। फंड के अंदर अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर पैसा 96% इक्विटी में, कैश में 3.5% और डेट में भी टोटल फंड साइज का 0.2% डेट फंड में यूज किया गया है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है, करीब 17%। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करीब 16%, कंस्ट्रक्शन में, अदर सेक्टर की कंपनी, सर्विसेज, केमिकल सेक्टर, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के अंदर फंड के पैसे को निवेश किया गया है। यानी कि दोस्तों जितने भी ये सेक्टर हैं इन्हीं के अंदर पैसे को डाला गया है और इन सभी सेक्टरों में हमें एक बेहतरीन ग्रोथ भी मिल सकती है। अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो फंड का बीटा है 0.77, यानी कि 1 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि फंड के पोर्टफोलियो में हमें कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। दोस्तों फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो खर्चा है 0.90%, यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है, ये पैसे काट कर हमें एनएवी के पैसे यूनिट लॉट की जाती है। एग्जिट लॉट 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% है 1 साल से पहले, लेकिन 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर आपको 12.5% का LTCG टैक्स देना होता है। दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस काफी बेहतरीन एएमसी है। 1996 में ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था। इस एएमसी के पास 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यूएम भी है और एसेट के हिसाब से रैंक 9वें नंबर पर। तो दोस्तों इस दमदार फंड के अंदर अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 1,00,000 रुपए भी, हमारा टारगेट अगर एक बड़े फंड बनाने का है तो इस दमदार फंड के अंदर 1,00,000 से भी हम 4,97,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं और हम अपने फ्यूचर के किसी भी बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।